दोस्तों 32 लड़के जो हैं पकड़े गए हैं। जी हाँ, SSCGD के परीक्षा में 32 लड़के जो है वो पकड़े गए हैं और ये मंगलवार की घटना है। और अब उन लोगों के साथ आगे क्या होगा और उन लोगों के साथ जिन्होंने स्कॉलर नहीं बैठाए थे उनके साथ क्या होगा, आगे की वीडियोस में मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि जो बच्चे स्कॉलर बैठाए थे वो तो शक के निगाह में आएंगे ही आएंगे, जिसमें बैठाया भी नहीं था वो भी अब शक के निगाह में आएंगे। अब उन सारे बच्चों के साथ क्या होगा जो कि शक के घेरे में आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियोज आपके उन फ्रेंड्स के काम आ सके जो कि स्कॉलर बैठाए हुए थे, ठीक है, और शायद वो बच जाए जेल जाने से और उन लोगों को काम आ सके जो कि शक के घेरे में अब आने वाले हैं। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई उन लोगों के साथ तो उनको ऊपर भी करवाई जा सकती है, ठीक है। और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से देखना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ एक इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये रिपोर्ट जो है निकल के आ रही है दैनिक भास्कर से निकल के आ रही है और इन्होंने बताया है कि 1 से लेकर 50 से लेकर के 1.5 लाख तक लड़कों ने यहाँ पैसे दिए थे रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए और बहुत ही बड़ी गिरोह के पूरे हिंदुस्तान में भंडाफोड़ हुआ है। और यहाँ एक ही सवाल सामने निकल के आता है कि आखिर कैसे, कहाँ ये कमजोरी हुई कि स्कॉलर बैठे और रिटर्न क्वालिफाई किए, ये बोर्ड की गलती थी या परीक्षा सेंटर की गलती थी या परीक्षा पूरी कैंसिल हो सकती है, ये सारी बातों के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर 32 लड़के पकड़े गए हैं, जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो। दोस्तों अगर आप इस पेपर कट को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिंक जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और इस पेपर कट को आप अच्छे से पढ़ लेना। आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी यूजफुल चीज़ है और आप लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाली है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते वीडियोज़ में। अब इन लोगों के साथ क्या होगा, देखो जैसे लड़के पकड़े गए तो पकड़े जाने की प्रक्रिया क्या है, पकड़े जाने की प्रक्रिया मात्र एक है, बायोमेट्रिक्स। क्योंकि जो स्कॉलर बंदा गया है सेंटर में पेपर देने उसकी उस टाइम बायोमेट्रिक्स हुई, अब फिजिकल देने वो रियल कैंडिडेट यहाँ पर आया है तो दोनों की बायोमेट्रिक्स का भी मैच नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो पहले तो शक के घेरे में थे तो काफ़ी बच्चे आने लगे तो भाई सबकी बायोमेट्रिक्स कैसे खराब हो सकती है, तो CISF सेंटर वाले ने सोचा यार क्या बात है, तो उन्होंने मामले की पूरे अच्छे से तह से जाँच किया तो पता चला कि स्कॉलर की बात यहाँ निकल के आई, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ मैंने स्कॉलर जो था वो बैठाया था। तो उन लोगों को क्या किया गया, थाने ले गया गया और जिन बच्चों ने यहाँ पर फिजिकल रियली क्वालिफाई किया था, उन्होंने रिटर्न खुद से क्वालिफाई किया, तो उनको भी शक की निगाह से देखा गया और उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया। तो इसी के लिए मैं आपको सबको बोलता था कि 10th 12th की डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर ले जाना, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको चेक किया जा सके। अपनी वोटर आईडी कार्ड प्रूफ सब चीज़ लेके जाना अगर आप सही हो तो। अगर आपने स्कॉलर बैठाया तो आपको किसी भी तरीके से वहाँ एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने स्कॉलर बैठाया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 32 बच्चे पकड़े गए, इन लोगों को थाने ले गया गया और जो यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई किया था उन लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि 32 और यहाँ 24, इतने सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो बाकी 24 बच्चे को इसलिए प्रॉब्लम हुआ कि 32 बच्चे स्कॉलर बैठा हुए थे, इन्होंने सही थे ये बच्चे, लेकिन इनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, अगर आपके सेंटर पे आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपके पास सिर्फ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अब ये बोर्ड की गलती है, किसकी गलती है कोई पता नहीं, 1-1.5 लाख रुपये में ये पूरा सिस्टम यहाँ पर अभी बिगड़ा हुआ है। अब देखो दोस्तों यहाँ बोर्ड की गलती है कि एग्जामिनेशन सेंटर की गलती है, पेपर कैंसिल हो सकती है या भर्ती भी कैंसिल हो सकती है। अगर इसकी गहन से जांच किया जाए तो यहाँ पर तो बोर्ड की गलती बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए तो गलती यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की है, क्योंकि उनकी गहनता की जाँच यहाँ पर नहीं हुई कि बंदा ये स्कॉलर आया है कि कौन आया है। तो यहाँ सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर वाले भी क्या करें यार, उनको एडमिट कार्ड चेक करना है, आईडी प्रूफ चेक करना है कि क्या आईडी प्रूफ है, उसके बाद उनको इन करके एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि वो बंदा तो रियल है, उन्होंने बायोमेट्रिक्स दिया, फंसते कौन है, हम फंसते हम कैंडिडेट हैं,
क्योंकि हमें जाना है खुद से फिजिकल देना, हमें रियल कैंडिडेट बन के जाना है। स्कॉलर तो उन्होंने अपना काम किया और साइड हट गए, उन्होंने पैसे खाया, उनका अब कोई मतलब नहीं रहा, उन्होंने आपके रिटर्न क्वालिफाई करा दिया। अब हम गए सेंटर पे देने, मेरी बायोमेट्रिक्स नहीं मिली तो लात तो हम खाएंगे, मार तो हम खाएंगे, जेल तो हम जाएंगे, जो कि सभी कैंडिडेट के साथ हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों बोर्ड की कोई गलती नहीं है, ना ही एग्जामिनेशन सेंटर की गलती है, गलती खुद हमारे अंदर है, क्योंकि हमने पैसे दिए थे और रिटर्न क्वालिफाई करवाने के लिए, और आज हम खुद वो कैंडिडेट बन के गए हैं कि हम खुद से फिजिकल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फंसे बहुत सारे बच्चे फंसे, तो इस चीज़ को, एक चीज़ मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो बच्चे स्कॉलर बैठाए हैं, उन्हें किसी भी हालात में एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैंने स्कॉलर बैठाए थे, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अब उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ फाइनली, जिन्होंने रियल में क्वालिफाई किया है और उनके साथ प्रॉब्लम ना हो कोई, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखेंगे, अपनी आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, सारे रखने अपने पास। उसके बाद 10th 12th की डॉक्यूमेंट रखनी, अपनी आवासीय भी रख लेनी, अगर OBC से तो OBC के सर्टिफिकेट रखनी है, कास्ट वाली जो सर्टिफिकेट हो वो भी रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट अपने आप से क्लियर रखना है। क्योंकि देखो भाई, मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ पर 40% लड़के ऐसे हैं जो कि स्कॉलर बैठाए थे, क्योंकि आज मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, जिनका भी कॉल आ रहा है, उनकी परेशानी यही है कि वो स्कॉलर बैठा के रखे थे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरा क्लियर फैक्ट्स के साथ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। चाहे भर्ती देने जाओ या मत जाओ, अगर भर्ती, अगर आपको लग रहा है कि अगर मार्क्स आपका ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 90-95 नंबर है, तो आप भर्ती देने जाना ही मत, क्योंकि आपको NIA मिलेगा और उसके बाद आपके ऊपर इंक्वायरी भी बैठाई जा सकती है। कम मार्क्स से मेरिट नहीं बन सकता, तो भी मत जाना। अगर मिडिल में अगर आपको थोड़ी हिम्मत होती है तो आप जाओ, लेकिन एक्सेप्ट मत करना, नहीं तो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे, पूरी लाइफ चौपट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आपको पूरी बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, शायद ये वीडियो आपके काम के ना आए, आपके किसी फ्रेंड्स के काम आ जाए, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियोस में, तब तक इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने सारे बच्चों को ये वीडियोस काम में आई, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।